हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई स्टडीज। आशा करछि समस्ते भल रहिथिबो ओ एंट्रेंस एग्जाम पई प्रिपरेशन जोरसोरे चलाइथिबो। एटा होछि तमरो आजर मैथ्स क्लास रे आमे परसेंटेज रे तमरो सेकंड क्लास डिस्कशन, सेकंड क्लास रे किछि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करबा। ऑलरेडी तमरो परसेंटेज रो काली रो फर्स्ट क्लास कंप्लीट हे जाइछि, एटा होछि आजर तमरो सेकंड क्लास। ऑलमोस्ट तमरो मैथ्स रो 80% सिलेबस तमरो कंटेंट पार्ट जति गे छि सब सिस्टमैटिकली पूरा सिलेबस वाइज कंप्लीट हे जाइछि। जो माने भी चैनल रे नुवा छ, जल्दी जल्दी से क्लास गुडा को जते सब आगरु कंप्लीट हे जाइछि से गुडा को जल्दी कंप्लीट कर दियो। से सब तमे चैनल रो प्लेलिस्ट जे के देखि देबो, सब जिंस सिस्टमैटिक ऑर्डर रे रखाइ छि। क्लियर? ठीक अछि, त चलो देर न करिके आज रो क्लास स्टार्ट करबा। आज रो किछि परसेंटेज रिगार्डिंग तमरो किछि इंपोर्टेंट बाकी जो क्वेश्चन काल रो क्लास रे अधा क्वेश्चन डिस्कशन कर लो, आज रो क्लास रे आ बाकी क्वेश्चन सब डिस्कशन कर दबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तमरो कोन दे छि देखो, इफ एक्स इज लेस देन वाई बाय 25% देन वाई एक्सीड एक्स बाय। सो कोन कहै छि ना, एक्स यदि तमरो वाई थारो 25% छोटो हुए तेबे वाई एक्स थारो केते बड़ हो बोली पचार छि। तो फर्स्ट मु तमन को नॉर्मल जेंति मेथड कर दे कह दउ छि, देन तमन को पे ट्रिक टे कह देबे विद इन तमरो 1 मिनिट भितरे आंसर आ जइबो। क्लियर? तो देखो फॉर एग्जांपल द लेट एनी सॉल्यूशन मु इट स्टार्ट कर छि। ठीक अछि, मु देखो तमरो करना लेट तमरो यदि मु नउ छि लेट वाई तमरो 100। ओके, वाई टा को जदि को 100 नउ छि तबे तमरो एक्स रो वैल्यू केते आ जइबो, कोन कहै छि ताकु 25% सानो माने 100 रो 25% सानो, तो तमरो एक्स रो वैल्यू केते आसी गला 75। क्लियर? से कोन नेक्स्ट कोन पचा छि एति के सॉल्व कलो। नेक्स्ट कोन दै छि देखो, देन वाई एक्सीड एक्स बाय, देन वाई एक्स थारो केते बेसी रहू छि हमको डिस्कशन माने कारियर छि इन परसेंटेज। वाई एक्स थारो केते बडो तमरो 100 माइनस 75। क्लियर? कोन कहै छि एक्सीड एक्स बाय माने तमरो कोन ना विथ रिस्पेक्ट टू एडा कहार करू छु हमें एक्स, तो डिवाइडेड बाय मुकाली कालीर क्लास रे कहितली विथ रिस्पेक्ट टू जो जोटा सहित हमें कंपेयर करबा सेटा तमरो माने तो डिनोमिनेटर रे रहइबो। तो जे तमे कहा सहित कंपेयर करू छु एक्स सहित, सो एक्स टा हेला 75 इनटू परसेंटेज काढियार छि इनटू आसीला 100। तो याकु तमरो सिंपलीफाई करले केते आ जइबो, इट विल बी 25 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 75। 25 3 = 75, तो एटा आसीला तमरो 100 डिवाइडेड बाय 3 व्हिच इज इक्वल्स टू 33 होल 1/3%। कोडी अछि, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बुझा पडला समस्तंकु? एटा होछि तमरो ट्रेडिशनल मेथड। एगु तमको गोटे रूल टे कहि दउ छी, ए जे रूल हिसाब रे याकु मन रखि दे। ठीक अछि, एटा तमरो रूल टे जिति गुडा बे आजर क्लास रे रूल गुडा को लिखि बे समस्त एटलीस्ट ट्राई करबो जे गोटे थरो मन रखिया पई। क्लियर? सपोज कोन दे छी रूल, कोन स्टेटमेंट कोन छी, इफ x is, if x is कौन ना तुम्हारो a percent स्टेटमेंट लिख दो। ठीक है, a percent less than, a percent less than y। ओके, if ए तुम्हारे किसी भी पर एटी जिंदगी तुम्हारे 25 26 किसी भी पर। ठीक है, कौन सी परसेंट, a percent सपोज a percent less than y, then y is more than x, y is more than x by केते परसेंट हो ना, तर डायरेक्ट फॉर्मूला अछि तमरो परसेंटेज कोन जेबो, रिक्वायर्ड परसेंटेज विल बी तमर केते ना a डिवाइडेड बाय 100 माइनस a इनटू 100 परसेंट ताठु से एक्स्ट्रा होबो। क्लियर? बुझा पड़ला समस्त को ए रूल टा कौन कही छी, इफ एक्स तमरो को भी गोटे एक्स इज ए परसेंट लेस देन वाई, देन वाई इज मोर देन एक्स बाय केते परसेंट होबो ना तमरो ए डिवाइडेड बाय 100 माइनस ए इनटू 100%। या को डायरेक्ट पुट करले तमरो ए रो वैल्यू एठी केते अछि, ए रो वैल्यू अछि तमरो देखो जे 25% माने ए वैल्यू टा तमरो कोन हे गला, ए डायरेक्ट फार्मूला पुट करले तमरो कते जइबो, एटा आसीला 25 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 25। सीधे लिखाई छि ना 100 माइनस ए व्हिच इज इक्वल्स टू तमर कोन ना 25 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 75। से सेम जिंस आसीला। क्लियर? इधर तम जदि देखलो ए टाइप्स रो क्वेश्चन अछि तबे डायरेक्ट ए फार्मूलाटा पुट कर दबो, ए रूलटा अप्लाई करबो। बुझा पडला समस्तंको? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कौन दे छि देखो, इफ एक्स इज
एक्स पर सॉरी एक्स इज 10% मोर देन वाई, देन व्हाट परसेंट वाई इज एटी सेति तुमको मोर देन पचार थिला, एटी तुमर कोन ना लेस देन एक्स पचार छि, क्लियर। तो याकू तुम्हें केमटि करबो, सपोज तुमर एक्स रो चलो वाई रो वैल्यू रख नेनबा, वाई रो वैल्यू टा सपोज होछि तुमर 100, क्लियर। तो से कोन कहि छि एक्स टा वाई थारो तुमर 10% अधिका, तो कोन एक्स रो वैल्यू केते आसी जेबो तुमर 100 10, क्लियर। नेक्स्ट कौन पचार सीए, नेक्स्ट एति जाए हला देन बाय व्हाट परसेंट इज वाई इज लेस देन कहा अपेक्षा एटी कहा सहित कंपेयर करा हिची तमरो एक्स सहित, सो सब बेले तमरो एक्स रो वैल्यू टा कोठी रहइबो जहां सहित कंपेयर करा हिथबो, कोन कहिथिलि मु डिनोमिनेटर रे, एटा रहला डिनोमिनेटर रे लेस कहिछि, सो इट विल बी 110 माइनस 100 परसेंटेज पचार छि इनटू 100, क्लियर। तो एटा कसिले तमर केते 10 डिवाइडेड बाय 110 इनटू 100, सो द आंसर इज एटा तमर केते जइबो 1 1 कैंसिल हे गला, तो तमरो 100 डिवाइडेड बाय 11 व्हिच इज इक्वल्स टू 9 होल 1 बाय 11% कोठी अछि देखो, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बुझा पड़ला समस्तंकु, जत्ते बेले तमरो केते बेसी पचारि थिबो तबे तमरो एठि देखो, जत्ते बेले केते बेसी पचारि थिबो तमरो रूल रे कोन थिला 100 माइनस सेति की करिवो, माने 100 माइनस ए करिवो, किंतु ए क्वेश्चन रे देखो से कोन पचारि छि केते कम होबो सेते बेले तमे केमति बाहर करिवो ना, त तारो रूल टा हे गला एठि लिखि दउ छि, बस पूरा स्टेटमेंट लिखुनी, रूल टा हे गला कोन ना तमरो ए डिवाइडेड बाय 100 प्लस ए इनटू 100%। बुझा पड़ला समस्तंकु, तमरो एडी जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन भीतर डिफरेंस जानि पालो समस्ते, क्लियर। नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, क्लियर। नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कौन देसी देखो, क्वेश्चन नंबर 3, इफ एस हाइट इज 10% मोर देन बीस हाइट देन हाउ मच परसेंट लेस देन बीस हाइट देन दैट ऑफ एस हाइट, एटी कहा सहित कहा को फर्स्ट कंपेयर कराई छी, ए सहित कंपेयर कराई छी, तो एबे एडा को डायरेक्ट फार्मूला रे पुट करिके करबा, एठी तमरो ए रो वैल्यू केते अछि, ए रो वैल्यू तमको दे छी 10%, क्लियर। नेक्स्ट से तुमको कौन पचार केते अधिक पचार सॉरी केते लेस पचार लेस माने तुम्हारे कौन हम फॉर्मूला रे कौन थिला ए डिवाइडेड बाय 100 प्लस ए इनटू 100, क्लियर। तो तुम्हारे ए केते आसिला, ए आसिला 10 इनटू 100 प्लस 10 इनटू 100, क्लियर। बुझा पड़ा समस्त को, याकु सॉल्व करे तुम्हारे आंसर आसीबो केते सेम सेम एज इट इज आसीबो, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बुझा पड़ा समस्त को केमती तुम्हारा फर्स्ट जें ट्रेडिशनल मेथड रे करंती से भी कह देली, तुमको तमे ताको रूल अप्लाई करके केमती सॉल्व करबो से मेथड रे भी गोटे क्वेश्चन सॉल्व कर देली, क्लियर। एबे ए टाइप रो क्वेश्चन आसे तमे आराम से कर दबो, गोटे अन्य टू एते अधिक अछि देन ओटा माने एटी जो कहा सहित कंपेयर कराइ छि ना एटी टिके भल से नोटिस करबो। बुझा पड़ा समस्त को, क्लियर। Now moving to next question. Next question कौन अच्छी देखो, B got 20% mark less than A. What percent mark did A got more than कहाँ ठू ना तुम्हारा B ठू, या कुछ तुम्हें नीचे कर दो वो समझता हूँ भाई, इधर रहिला तुम्हारा कौन ना homework, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें इधर चाहे तुम्हें ट्रेडिशनल मेथड भी कर पर, ट्रेडिशनल मेथड भी किसी खराब नहीं, जदि तुम्हें कैलकुलेशन स्पीड अच्छे तो ट्रेडिशनल मेथड भी हो, अदरवाइज तुम्हें जब रूल मन रखा चाहो तो तुम्हें रूल भी मन रख पार, क्लियर। बुझा पड़ा समस्त को, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे देखो, क्वेश्चन नंबर 5, इफ एक्स अर्न्स 25 मोर देन वाई देन व्हाट परसेंट लेस डज वाई अर्न देन कहा टू एक्स टू, एटा भी तुम्हारा सेम टाइप रो क्वेश्चन टा, तो को देखो एटा तुम्हारा ए रो वैल्यू केते अछि, ए रो वैल्यू अछि 25%, माने ए रो वैल्यू हैला 20 25, नेक्स्ट कोन एटा तुम्हारा लेस देन कहि छि, लेस देन माने डिनोमिनेटर रे कोन रहइबो तुम्हारा 100 प्लस ए, क्लियर। तो देखो एटा तुम्हारा केते हि जइबो 25 डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट मु फॉर्मूला अप्लाई कर छी डायरेक्ट रूल, तबे चाहिले तमे ताको ट्रेडिशनल मेथड रे भी कर पारिबो, तो तमर कोन हे गला 100 प्लस 25
इंटू हंड्रेड व्हिच इज इक्वल्स टू 20% आसला गोटे लाइन आंसर अच्छे पा सो ऑप्शन नंबर सी 3 इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ा समस्त को क्लियर ना मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे देख द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 देन द लार्जर नंबर से पचार छी कोन कहै छी दीटा नंबर रो डिफरेंस केते हो बना लार्जर नंबर रो 20% सहित जदी समान हुए आउ कोन तुमको गिवन डेटा अछि गिवन डेटा तुम पकरे अछि जदी स्मॉलर नंबर टा 20 हुए तेबे लार्जर नंबर टा केते हो बोली पचार छी तो देखो लेट सपोज तुमरो लार्जर नंबर टा होछि x लेट लेट द लार्जर नंबर इज एक्स तुम्हारा लार्जर नंबर टा हूँ एक्स से कौन कही स्मॉलर नंबर टा तुमको गिवन के स्मॉलर नंबर दे दीजिए तुमको 20 क्लियर तो डिफरेंस के डिफरेंस माने कौन लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर माने कौन हो गला तुम्हारा x माइनस 20 जितकी भी वैल्यू आसो सेटा डिफरेंस सेटा कहा सहित समान हम देखो फर्स्ट लाइन लिखा है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स गोटे नंबर तुम x अनदर नंबर 20 द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर इक्वल्स टू कौन हो तुम x रो 20% कौन x रो 20% माने कौन 20% ऑफ x बुझा पड़ला समस्त को याको बस सिंपलीफाई करियार अछि दैट्स इट देन तमरा आराम से x रो वैल्यू आसी जिवो x रो वैल्यू आसले माने कोन तमरा लार्जर नंबर आसला तब याको ताको सिंपली सॉल्व करबा कोन हैला x माइनस 20 इक्वल्स टू 20% ऑफ कहार x रो सो कोन हेगला x इनटू 20/100 एटा आसीला तमरा 1/5 तो कोन हेगला तमरा क्रॉस मल्टीप्लाई करले हैला 5x माइनस 100 इक्वल्स टू x दैट इम्प्लाइज 4x इक्वल्स टू 100 एंड x रो वैल्यू आसला तुम्हारे केते 25 सो द लार्जर नंबर इज 25 से नहीं तुमको क्वेश्चन पचारा द लार्जर नंबर इज लार्जर नंबर टाक तुम x नहीं थिलो तो बस x रो वैल्यू आसीगला को ऑप्शन अच्छे देखो सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला समस्त को क्वेश्चंस को अप्रोच केमती करबो बस मैथ रो ना क्वेश्चन जोटी आंसर भी सेट थे बस ताकू टिके बढ़िया से डिकोड करके लिखियार अछि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रे आराम से आंसर आस जीवो बुझा पड़ला समस्त को नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 कोन दे छी देखो इफ ए नंबर कोन छी ना इफ ए नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y एंड y इज 10% मोर देन 125 देन x इज इक्वल टू कते हबो बोली पचार छी क्लियर त माने कोन छी देखो तमरो कोन कहि छी y रो वैल्यू डा कते हि जबो तमरो 10% ऑफ 125 रो 10% ता तमरो कते आसीबो ना y रो वैल्यू डा क्लियर से कोन कहि छी देखो 10% कोन गला 10% मोर देन माने कोन ना y रो वैल्यू डा माने 125 रो 10% अधिका हबो माने कौन तुम्हारो y रो वैल्यू केते आस जीवो y विल बी इक्वल्स टू 125 मोर कही छी माने प्लस देन कहारो तुम्हारो 10% ऑफ 125 काढिले केते आस जीवो तुम्हारो 125 रो 10% 10% काढला कोन बेटी केते आस जीवो तुम्हारो 12.5 तो कोन हेला y रो वैल्यू केते हि जीवो 125 प्लस 12.5 व्हिच इज इक्वल्स टू तुम कते ना 137.5 वाई रो वैल्यू आसी गला नेक्स्ट कौन दिया है तुम एक्स इज 10% लेस देन अनदर नंबर वाई ता माने कौन एक्स रो वैल्यू टा कौन हम एक्स विल बी इक्वल्स टू 10% लेस देन 10% लेस देन वाई वाई माने कौन तुम 137.5 क्लियर से क्वेश्चन दे दिला ना 10% लेस देन y y जगह रे मु लिखि पर भी 137.5 क्लियर तो कोन हेगला तमरो एथिरु तमे आराम से तमरो x रो वैल्यू काट दबो x रो वैल्यू केते आसी जीवो तमरो सो x विल बी इक्वल्स टू
137.5 लेस माने सान माइनस कर हबो रो कहार 10% ऑफ 137.5 क्लियर बुझा पड़ला। तो एटा तुम्हारे केते आसीबो ना मैं आपको कैलकुलेशन कर दीची ऑलरेडी। तो एटा तुम्हारे आसीबो केते ना 13.75। तो तुम्हारा एक्स रो वैल्यू केते आसीगला एक्स रो वैल्यू आसीगला 123.75 कोठी अच्छे देखो तुम्हारा 123.75 सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बुझा पड़ला ना समस्त को क्लियर एटा आई होप ए जो वैल्यू टा 13.75 केमती आसला समस्तंकर बुझा पड़ला केमती करबे ना तुम्हारा 137.5 रो 10% क्लियर याको कैलकुलेशन कर देला तुम्हारा इतकी आस जीवो। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 रे कारी को किछ कंफ्यूजन नथिबो समस्त करि परबो ए टाइप्स रो क्वेश्चंस आसले आराम से बेसिक माने जस्ट टिके बुले बके के क्वेश्चन हो ताको बस आराम से मैथमेटिकली इंटरप्रेट करियार अछि ओ जहां भी एक्स वाई जेड जोटरे भी तमन परसेंटेज रे मांगी था जोटरे मांगी था तारो आंसर काढियार अछि दैट्स इट बुझा पडला समस्तनकु। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 कोन अछि देखो क्वेश्चन नंबर 8 देछि टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 12 होल 1/2% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर। नेक्स्ट कौन कही छी फर्स्ट नंबर एज परसेंट ऑफ सेकंड कौन कही छी ना द फर्स्ट नंबर एज परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर इज क्लियर। तो कौन देखो धरा जाओ एको फर्स्ट मु तुमको ट्रेडिशनल मेथड रे कह दू छी कौन ना सॉल्यूशन ओके कौन लेट तमरो कौन ना थर्ड नंबर टाकु मु नउ छी 100 क्लियर। थर्ड नंबर टा हे गला तमर केते ना 100। नेक्स्ट देखो तो तुमरो बाकी दीटा नंबर केते हे जिबा गोटे नंबर हे जिबो तुमरो तारो माने थर्ड रो 12 होल 1/2% तो कते हे गला तुमरो आ बाकी दीटा नंबर गोटे नंबर आसे जिबो 225 डिवाइडेड बाय 2 एंड आ गोटे हे जिबो तुमरो तारो 25% माने कोन 125 बुझा पडला समस्तनकु। नेक्स्ट कोन कहि छि देखो नेक्स्ट तुमको क्वेश्चन कौन कही छी एंड टू नंबर आर एतिकी नेक्स्ट कौन कही छी द फर्स्ट नंबर एज परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर टा सेकंड नंबर रो केते परसेंट होबो बोली पचार छी। लेट सपोज याकु हम नउ छी तमरो फर्स्ट नंबर टा केते हेगला तमरो 225 डिवाइडेड बाय 2 विल बी तमरो सेकंड नंबर रो केते होबो ना x परसेंट तुमको परसेंटेज टा काढियार केते अछि तो मु ताको अज्यूम कर छी जे सेटा हि जेबो केते ना x परसेंट तो कोन हि जेबो ना x परसेंट ऑफ सेकंड नंबर केते अछि 125 क्लियर। दैट इंप्लाइज एठी मु लेखि परबी 225 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू x बाय 100 इनटू 125 याकु सॉल्व कर के तमे x रो वैल्यू काढि परबानी आराम से तुम्हारो x रो वैल्यू आस जीवो तो तुम्हारो कोन जीवो ना x रो वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 90 बुझा पड़ला समस्तों को कोठी अछि देखो सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर क्लियर। से तुमको कोन कहितला तीनटा नंबर देई छी फर्स्ट को देई छी तुमको थर्ड नंबर टा केते ना तुम्हारो थर्ड नंबर टा फर्स्ट नंबर माने कोन कहितला टू नंबर आर मोर देन ओके थर्ड नंबर टू 12 होल 1/2% मोर हबो तमरो फर्स्ट नंबर टा आउ 25% मोर हबो तमरो सेकंड नंबर टा मु अज्यूम कर ली जे मोर फर्स्ट नंबर टा होची सॉरी थर्ड नंबर टा होची 100 100 रो 12 होल 1/2% अधिक हबो कोडा तमरो एटा जोडा छी फर्स्ट नंबर टा क्लियर एंड 25% अधिक हबो कोडा तमरो सेकंड नंबर टा क्लियर। से तुमको पचारी छी जे फर्स्ट नंबर एज परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर माने फर्स्ट नंबर टा सेकंड नंबर रो केते परसेंट होबो बोली पचार छी तो कते ना सिंपली हम लिखि परबा सपोज हम लेट अज्यूम करबा जे तारो एक्स परसेंट होबो तो लिखि परबे मु सेकंड नंबर टा सॉरी फर्स्ट नंबर टा तमरो सेकंड नंबर रो एक्स परसेंट होबो तो ताकु सिंपली मैथमेटिकली लिखले कोन हेगला 225 विल बी इक्वल्स टू एक्स परसेंट ऑफ 125 क्लियर ताको सॉल्व करके एक्स्ट्रा वैल्यू काढ़ देले तमरो प्रॉब्लम सॉल्व बुझा पड़ला समस्तन को क्लियर एति की जाय। तो एठी गोटे तमरो रूल टे अछि एते लंबा कैलकुलेशन न करके शॉर्टकट रे करिया पई रूल एडे मु तारो स्टेटमेंट लिखि दउ छी ठीक अछि इफ टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली
इफ टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली x% एंड y% मोर देन ए थर्ड नंबर नेक्स्ट कौन ना द फर्स्ट एज परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर जदि थाय तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला कौन होगा तुम्हारा 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस वाई इंटू 100%। क्लियर ए टाइप्स रो जदि तुम्हारा बड़ क्वेश्चन टी आसे सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला रे पुट कर दबो तो एठी तुम्हारा देखो एठी तुम्हारा गिवन जदि मु फॉर्मूला रे पुट करले केते आसेला तुम्हारा x रो वैल्यू केते दीची x रो वैल्यू दीची 12 होल 1/2 f कोले आसेला 25 डिवाइडेड बाय 2% नेक्स्ट y रो वैल्यू केते अछि y रो वैल्यू अछि 25% सिंपली ताको फॉर्मूला रे पुट कर दियो से कोन कहिची 100 प्लस एक्स जगह रे आसला 25 डिवाइडेड बाय 2 बाय 100 प्लस 25 इनटू 100। क्लियर बुझा पड़ा समस्त को या को पूरा सिंपलीफाई बस एक गोटे लाइन रे देखो तुम्हारा सॉल्यूशन आ गेला या को जे पूरा को सॉल्व कर दबो तुम्हारा देखिबो एटर भी तुम्हारा आंसर केते दबो ना 90%। क्लियर बुझा पड़ा समस्त को एटलीस्ट समस्त जो रूल गुडा को सब गुड़ा तो जी गुटा ट्राए कर एटमोस्ट सब गुड़ा टी मन रखा क्लीयर ये टाइप्स क्वेश्चन आसो बुले बगे कि तुम कौ जगह गोटे 12.12 होल 1/2 देती आउ थे के तुमको 22 देती आउटे वाई रैल्यू आउ गए कौन देखो दैट्स इज बट से बुले बगे क्वेश्चन पचारे ठीक अच्छे ना मुविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए तुम क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच नंबर इज 40% लेस देन 90। ओके तो लेट सपोज तुम्हारे गोटे नंबर टा लेट सपोज ओके या को एमती करिया 40% लेस देन ऑफ 90 रो 40% कम ता माने कोन से नंबर टा 90 रो 60% हे थिबो। क्लियर जदी मु याकु डायरेक्ट बाहर कर दिए 60% ऑफ 90 से सेम जिंस आस जिवो तो तुम्हारे कोन आसीला टा एडा आस जिवो तुम्हारे केते ना 60% ऑफ 90 काट दबो तमर देखिबो आंसर आस जिवो केतना 36। क्लियर बुझा पड़ला समस्तंको तारी कंफ्यूजन नाही एथिरे ना मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि देखो क्वेश्चन नंबर 10 कोन अछि देखो टू नंबर्स आर लेस देन थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली द परसेंट बाय व्हिच सेकेंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट नंबर से तुमको पचार। क्लियर तो देखो या समस्त निजे करना ये तुम मैं होमवर्क रहा ये तुम पैरेलल टाइप क्वेश्चन टे ये समस्त होमवर्क समस्त एटलिस्ट निजे थे ट्राए कर जदि न हुए मत कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिकी जनइब मुझक कौ गोटे क्लास मैंने रिविजन क्लास रिडियो सल्व करदेवि। क्लीयर नाउ मुविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए देख ए नंबर When reduced by 10% gives 30. The number is suppose गोटे नंबर टा मुझको अज्यूम कर the number is x suppose तुम्हारा नंबर टा x x रु से कौन कह नंबर व्वेन रिड्यूस बै 10% जदि मु x रु रिड्यूस कली के x रो 10% तेब से मत के दबो नेक्स्ट कौन लिखाई गिवस 30 दैट तार इक्वल्स टू के तुम 30। क्लीयर ता मान कौन तुम के आसला एक्स माइनस एक्स इंटु 10 बाय 100। क्लीयर इक्वल्स टू तुम के आसगला 30 दैट इम्प्लाइज 9x बाय 10 विल बी इक्वल्स टू 30। बस या को सॉल्व कर यार अच्छी कहते हैं ला 9x equals to 300 एंड x will be equals to 300 divided by 9 3 रे कट कर लेते हैं इसलिए तो हमारा 100
इतने 3 3 जा 9 या को फ्रैक्शन रे मिक्स फ्रैक्शन रे करले 33 होल 1/3% क्लियर सॉरी नंबर कहिछि ना सो द नंबर इज 33 होल 1/3 कोडी अछि देखो सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला समस्तन को क्लियर को टाइप्स रो क्वेश्चन आंसर अप्रोच करा होछि नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो हाउ मच 66 होल 2/3% ऑफ आरएस 312 एक्सीड बाय 200 क्लियर एडे भी कर दबो तुम संगर सेम टाइप्स रो क्वेश्चन रे तो क्वेश्चन नंबर 12 भी तुम मान को पाई होमवर्क रहला नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 कोन दिस देखो एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम बीज इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ एज इनकम लेट सपोज तमर कोन दिस ना सपोज हमें अज्यूम करबा जे बी रो इनकम होची तमरो 100 क्लियर तो तमरो ए रो इनकम केते हि जीवो ए रो इनकम आसला तमरो 125 क्लियर से कोन कहि छी तमरो बी रो इनकम ए रो इनकम रो केते परसेंट होबो ए इनकम ऑफ ऑफ कहारो एस परसेंट त माने कोन हला देखो तमरो बी रो इनकम केते 100 ए रो इनकम केते 125 केते परसेंट पचारि छी तो इनटू 100 तो याकू तुम्हारे सिंप्लीफाई करले केते आसीबो ना 80% कोठी अछि देखो सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला समस्तों को बस गोटे लाइन रे आंसर कर दो बेसी किछी भी टेंशन ना माने आराम से सब धीरे धीरे प्रैक्टिस करो हे जीवो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिस देखो एज सैलरी इज 50% मोर देन बीज ए रो सैलरी जति कि माने ए बी रो सैलरी जति कि ताठ 50% बेसी सैलरी होची कहारो ए रो ओके नेक्स्ट कोन दिस देखो देन बी सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए देन बी रो सैलरी ए रो सैलरी थारो केते परसेंट कम हबो बोली पचरची सिमिलर तमरो पैरेलल टाइप क्वेश्चन दे एटा भी तो मान को पाई रहला होमवर्क क्लियर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिस देखो क्वेश्चन नंबर 15 इफ द सैलरी ऑफ मनोज इज 40% लेस देन दैट ऑफ सुभाष देन हाउ मच परसेंट इज सैलरी सुभाष मोर देन दैट ऑफ मनोज तो तुम्हारा मनोज रो केते होबो बोली से पचे छी एडा कर दबो एडा भी तुम्हारा सेम टाइप क्वेश्चन रे जो गुडा सेम टाइप क्वेश्चन अछि मु तमन को पई छाड़ दउ छी गोटे क्वेश्चन करके बाकी गुडा तमे निजे कर दबो किंतु पैरेलल टाइप क्वेश्चन को बस तार कैलकुलेशन करे छड़ा किछि अधिक लाभ नै तमे गुडा को निजे प्रैक्टिस जते करबो सेते बेटर क्लियर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 कोन दिस देखो 16 कोन दिस देखो द परसेंटेज चेंज इन ए नंबर when it is first decrease by 10% and then increase by 10% is clear to dekho yaro first mu tumko traditional method koi dochi then taman ko gode rule koi debi okay tamaro solution suppose tamaro number ta huchi 100 mu assume kali thik achi first kon koi chi when it is first decrease by 10% first kon kara hela tamaro 10% डिक्रीज करा हला 10% डिक्रीज करा हे गेला तमर केते आसी गला 90 क्लियर देन कोन करा हला 90 नंबर ता आसला देन इंक्रीज बाय 10% देन पूरी आउथरे कोन करा हला ना 10% तमर इंक्रीज करा हला तो केते आसी जीव तमर 99 माने 90 रो 10% माने तर इंक्रीज करा हे छी तो तमर केते आसी गला एटा आसी गला तमर 99 क्लियर नेक्स्ट कौन कही छी द परसेंटेज चेंज इन नंबर केते चेंज हला बोली से पचारी छी तो देखो तमरो चेंज केते आसीला 99 लास्ट को तमरो रिजल्ट आसीला ओरिजिनल नंबर हमें अज्यूम करथलु 100 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट कौन कही छी ओरिजिनल नंबर सहित हमको कंपेयर करया छी केते चेंज हला माने कौन डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100 तोठी आसीला केते ना तमरो -1 परसेंट जेहेतु तमरो माइनस साइन टे लागी छी माइनस साइन माने को एडा तमरो सब बड़े मन रखता माइनस साइन इंडिकेट्स डिक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज एंड प्लस साइन इंडिकेट्स तमरो कोन ना इंक्रीज तो तमरो एटी कोन हि जीवो ना सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला समस्तों को एडा हेगला तमरो ट्रेडिशनल मेथड सपोज एटी मु तमन माने जदी तमे माने आउ शॉर्टकट रे करिया को चाहौ छ तमन को पई गोटे रूल टे लिखि दउ छी तमरो रूल रो स्टेटमेंट कोन अछि इफ ए नंबर कोन ना इफ ए नंबर इज
increased by increased if a number is increased by a percent and decreased by and decreased by tomorrow decreased by b percent then konna tomorrow resultant change in percentage resultant change in percentage will be tomar direct formula kete asibo na a minus b minus ab by 100% clear important one ya kutike bhal se dekhi debo clear kon rahila tomar kon koiche statement re if a number is increased by a percent and decreased by b percent then tankaro total resultant change kete hijibo na a plus b minus ab divided by 100% clear jodi tomaro negative sign asla ta mane se indicate kon karuchi decrease hobo okay decrease hobo jodi tom pakre eti positive sign asla ta mane kon eta tomaro increase hobo बुझा पड़ला समस्त को क्लियर एबे ताकु जदि मु फार्मूला रे अप्लाई करे तो कोन हेगला तमरो इंक्रीज केते देछि सॉरी डिक्रीज केते देछि 10% इंक्रीज केते देछि तमरो 10% तो कर याको कले कोन हिजबो तमरो 10 - 10 - 10 × 10 डिवाइडेड बाय 10% 10 प्लस माइनस कैंसिल आउट इट विल बी -1% तो नेगेटिव अछि त माने कोन हेला तमरो डिक्रीज बाय 1% बुझा पड़ला समस्त को तहारे किसी कन्फ्यूजन ना नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17 कौन दे देख एक्स इज 5 टाइम लॉन्गर देन वाई द परसेंटेज बाय व्हिच वाई इज लेस देन एक्स एटा भी तुम पैरेलल टाइप क्वेश्चन कंपन रहा होमवर्क ना मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे देख ए पर्सन हु स्पेंड 66 होल 22/3% of his income is able to save 1200 per month. His monthly expense केते होबो बोली से पचार छी क्लियर तो देखो से कोन कहि छी तमरो टोटल से खर्च केते कला 66 होल 2/3% तारो टोटल इनकम रो लेट सपोज तारो टोटल इनकम मुनो छी 100 ओके 100 रो से जदी स्पेंड करू छी 66 होल 2/3 देन दिस विल बी इक्वल्स टू कोन हिजबो तारो टोटल इनकम माइनस केते खर्च करूची बाकी जति कि बड़ कर रहला से गुडा कोन तारो सब सेविंग तो तमरो सेविंग रे केते आसीला ना 1200 क्लियर बुझा पड़ला ती कि जे दैट इंप्लाइज इट्स तमरो परसेंटेज साइन गुडा रहगला दैट इंप्लाइज तमरो कोन ना 33 होल 1/3% विल बी इक्वल्स टू 1200 बुझा पड़ला समस्त को जो तुमको कौन कही टोटल तार मंथ मानने एक्सपेंसेस बोली से पचार क्लियर तो फर्स्ट हमें बाहर करवा तार टोटल इनकम इनकम कले ना तापर तार एक्सपेंस मान तार खर्च के काढ़ी पार तो देख से कौन कहला जी इनकम टा तार एक परसेंट 33 होल 1/3% इक्वल्स टू 1200 जदि हुए तार टोटल इनकम को आम नहीं छु 100% देन 100% इक्वल्स टू केते आसीबो तमरो 1200 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 3 इनटू 100 क्लियर समस्त को बुझा पड़ला एति कि जे तो याको मु कैलकुलेशन कर देतली तो तमरो आंसर आसीबो एथिरे 3600 क्लियर नेक्स्ट कोन आसीला ना तमरो एक्सपेंस पचारी छि केते होबो बोली एक्सपेंस आसीगला तुम 3600 टाँचा से जदि टोटल रोजगार करुच्ची से 1200 टाँचा सेविंग करुच्ची तो तार खर्च के आसला तुम 3600 - 1200 इक्वल्स टू 2400 कौटी अच्छे देख सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ा समस्त को क्लियर कहारी किसी कन्फ्यूजन ना ये तुम गोटे बढ़िया रूल टे अच्छी मुझे गोटे रूल टा लिखिदे ठीक अच्छे देख इफ ए पर्सन सेव से सपोज आर रुपीज से
सेव करुची ओके आफ्टर स्पेंडिंग एक्स परसेंट ऑन सपोज से फूड नहीं लो छी मु तमे किछ भी नहीं पर ठीक मने एग्जांपल पे दे छी गेले फूड एंड वाई परसेंट ऑन क्लोथ एंड जेड परसेंट ऑन ऑन एंटरटेनमेंट लिख दवा एंटरटेनमेंट ओके नेक्स्ट कौन कही छी देन एंटरटेनमेंट ऑफ हिज इनकम ओके नेक्स्ट कौन कही छी देबे तारो मंथली इनकम रो डायरेक्ट तुम्हें फाइंड कर परबो केमती ना तुम्हारा 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इनटू आर बुझा पड़ला समस्त को तार मंथली इनकम रो डायरेक्ट फार्मूला तुम्हारा कौन रहिला 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इनटू आर क्लियर समझते तारे किसी कंफ्यूजन नहीं क्वेश्चन रहा क्योंकि कि अप्रोच करा है ला बहुत वे जरा तो मैं बुझी गला तब वो सिंपली तो मैं फॉर्मूला रे पुट कर ले भी तो हमारा बोटे लाइन है आंसर आज जीवो क्लियर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे ची देखो द इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन बीज इनकम नेक्स्ट कौन लिखा है ची देखो बी एंड द इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए फाइंड हाउ मच परसेंट इच सी इनकम मोर देन ए क्लियर तो देखो जदी मु ए रो इनकम को नो छी 100 ओके देन तमरो बी रो इनकम केते आस जीवो बी रो इनकम आस जीवो 125 जेहेतु तुमको कोन क्वेश्चन दे दै छी बी रो इनकम 25% मोर देन ए रो इनकम रु होबो नेक्स्ट नेक्स्ट कोन हला तमरो सी रो इनकम केते हि जीवो सी रो इनकम बी रो इनकम रो 20% से दे लिखाइ छी ना 20% मोर देन बीस माने बी रो इनकम केते अछि एटी तमरो 125 रो 20% तमरो केते हि जीवो ना एक्स्ट्रा सी रो इनकम क्लियर तो ता माने कोन 125 रो माने मोर कहि छी माने प्लस तारो 125 रो 20% तले केते हि जीवो तमरो इट विल बी 25 सो तमरो सी रो इनकम केते आसला ना 150 एबे आराम से काट देबो कारी किछ प्रॉब्लम नाही नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन तो एटा भी रहला तमन को अधा सॉल्व कर देले मु एटा बाकी रे तमे रिमेनिंग सॉल्व करना बनी जे क्लियर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिसै देखो इफ एस इनकम इज 40% लेस देन बी हाउ मच परसेंट बीस इनकम इज मोर देन ए सेम टाइप्स रो क्वेश्चंस को देखो सब बेले बस बुले बंके की दउची एटा भी रहला तमन को पई होमवर्क क्वेश्चन क्लियर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिसै देखो इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन इनकम ऑफ बी लेट बीज इनकम इज एक्स परसेंट लेस देन एज इनकम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए से तुमको कौन पचारि ना ए रो वैल्यू केते हबो बोली तुमको फाइंड करियार अछि क्लियर एटा भी कर नब समस्ते एटा को मु तमन को पई छाडी दउची एटा रहिला होमवर्क क्लियर जेते गुडे पैरेलल टाइप क्वेश्चन अछि मु तमन को पई होमवर्क चिट दिछि समस्त घरे डेफिनेटली थरे ट्राई करबो याकु नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम टाइप रो क्वेश्चन अछि याकु भी छाडी छी तमन को पई सेम क्वेश्चन अछि देखो इफ द इनकम ऑफ राम इज 12 होल 1/2 मोर देन एटा परसेंट रहबो ठीक अछि परसेंट मोर देन दैट ऑफ श्याम द इनकम ऑफ श्याम लेस देन दैट ऑफ राम बाय केते परसेंट बोली हबो बोली से पचार छी एटा भी रहला होमवर्क क्वेश्चन क्लियर जत्ते गुडा छाडू छी समस्त सब गुडा डेफिनेटली ट्राई करबो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कोन दे छी देखो इफ 60% ऑफ एज इनकम इक्वल्स टू 75% ऑफ बीज इनकम एंड बीज इनकम इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ एज इनकम देन वैल्यू ऑफ ए कते हो बोली पचार छी तो एटा देखो मु सॉल्व कर दउ छी सॉल्यूशन कोन हला ना तुमको लेट सपोज तुम्हारा ए रो इनकम होची
ए रुपीज ओके लेट लेट एज इनकम एज इनकम कितना तुम्हारा ए रुपीज ओके बीस इनकम तुम्हारा कितना नेट सपोज नोची मो बी रुपीज से क्वेश्चन में कौन कही तुम्हारा 60% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बीस इनकम क्लियर तो कौन है तुम्हारा ए रो 60% ए इंटू 60% विल बी इक्वल्स टू बी इंटू 75% बुझा पड़ा समस्त को या को सॉल्व करले तुम्हारे कितने आ जीवो ए 4a विल बी इक्वल्स टू 5b क्लियर केमती की सॉल्व होला आई होप काहे डाउट नथिबो नेक्स्ट दैट इंप्लाइज तुम्हारो कोन होला b by a कैन बी रिटन एज 4 by 5 क्लियर लेट्स सपोज एटा को मुन्ने नउची इक्वेशन 1 क्लियर नाउ नेक्स्ट कोन कहि छी एति की जे तुम्हारो सॉल्व कर लेलो नेक्स्ट कौन दी देखो देन बीस इनकम इज इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ एज इनकम ता माने कौन तुम्हारा बी रो इनकम कौन ही जीवन तुम्हारा एक्स परसेंट ऑफ ए रो इनकम क्लियर दैट इंप्लाइज कौन तुम्हारा बी रो इनकम बी एंड एक्स परसेंट ऑफ ए रो इनकम माने कौन ए इट डिवाइडेड बाय एक्स परसेंट अच्छी 100 तो तुम्हारे ये कौन होगा बी बाय ए विल बी इक्वल्स टू एक्स बाय 100 नेक्स्ट नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कैन आई राइट एक्स बाय 100 विल बी इक्वल्स टू 4 बाय 5 इथ्रू आराम से तुम्हारे एक्स रो वैल्यू काट दबो कितने होगा तुम्हारा 4 बाय 5 इनटू 100 व्हिच इज इक्वल्स टू 80 सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 80 बुझा पड़ला समस्त को काहे किछि कंफ्यूजन नहीं तो तुम्हारा एक्स रो वैल्यू पचतला एक्स रो वैल्यू आसीला तुम्हारा 80% क्लियर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि देखो क्वेश्चन नंबर 24 ए पर्सन गिव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन एंड 10% ऑफ द बैलेंस he donated to the trust next kon likha hai dekho he left with 10,080 rupees next kon pachachi taro income kete ho boli se pachachi kor nabo eda bhi tumaro same types ra question te eda ko tame samaste rule re apply kari ki thare try karo kori parcho ki nahi thik achi now moving to next question kon dechi dekho question number eda bhi tumaro same type ra question te Radha spent 40% of her salary for food, 20% on house rent, and 10% on entertainment. Next, कौन कोई चीज़? बाकी her saving at the end of गणना तुम्हारा एड तुम्हारा करते दीजिए 1500 टका से saving कला तारा monthly salary कितने बोली से बचे ची same type रो question टे बस या को भी तुम मैंने निजे थरे try करो जो बड़ा parallel हो ची सब मुझे छाड़ दो ची तुम मैंने पहले डा homework रहेला क्लियर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कौन दे देखो इफ द मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज इंक्रीज बाय टू होल 2/3% एंड गेट 72 रुपीज मोर हिज मंथली सैलरी इन रुपीज इज देखो से कौन कह धरा जाओ तार मंथली इनकम है मंथली इनकम के तुम एक्स ओके नेक्स्ट कौन कही तुम्हारा तार मंथली इनकम रो इंक्रीमेंट के तुम टू होल 2/3% ताने कौन तुम इनक्रीज के 8/3% ऑफ एक्स क्लियर इक्वल्स टू के तुम तार टोटाल पैसा के वृद्धि 72 टाँचा तो ये कौन हो तुम विल बी इक्वल्स टू 72 That implies we can write x into 8/3 equals to 7/2. इतने आराम से तुम्हारा x रो वैल्यू का ओके इतने उड़े परसेंटेज अच्छी ना तो इधर तुम्हारा तोड़े 300 रहेगा क्लियर नेक्स्ट दैट इंप्लाइज तुम्हारा x रो वैल्यू कितने ऐसे गला ना 72 into 300 डिवाइडेड बाय 8 या को तुम्हारा सॉल्व करिबो कितने ऐसे जीवना 2700 कोठी अच्छी देखो सो क्वेश्चन नंबर
26 रो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर बुझा पड़ला समस्तंकु काहरी किछि कन्फ्यूजन नै एथिरे नाउ मूव इनटू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि देखो क्वेश्चन नंबर 27 मीतास इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ सीता व्हाट परसेंट इज सीतास इनकम लेस देन दैट ऑफ मीता सेम पैरेलल क्वेश्चन टे एटा बि रहला तमनको पई होमवर्क नेक्स्ट नेक्स्ट कौन देख देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 भी ओके ए मैन स्पेंड 12 होल 1/2% ऑफ हिज सैलरी ऑन द आइटम्स ऑफ डेली यूजेस 30% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट आफ्टर दैट ही लेफ्ट विथ 2940 रुपीज हाउ मच तारो सैलरी केते बोली पचार छी सिंपली फार्मूला रे पुट कर दबो तमर आंसर आसीगला अदरवाइज तमे चाहिले ताको ट्रेडिशनल मेथड रे भी सॉल्व कर परबो किछो असुविधा नै कितु बस टिके अधिक टाइम कंज्यूमिंग हेते दैट्स इट क्लियर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दै छै देखो द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज 13000 तमर कोन 500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर 9000 नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 14% and his expenditure is increased by 7% the percentage in increase is saving was to dekho first taro total taro doroma thila mane 13500 taka se sethiru kharcho kete kar dauthila na 9000 taka ebe mate ko taro saving kete houthibo 13500 minus 900 kar dele taro saving as jibo to kon hela tamaro original saving taro kete asila तमरो 13500 माइनस 9000 व्हिच इज इक्वल्स टू तमर केते आसला ना 4500 बुझा पड़ला नेक्स्ट कोन कहि जितारो नेक्स्ट ईयर ना कोन तारो दरमा बढ़िला इंक्रीज केते हला तमरो 14% ता माने कोन तमरो न्यू सैलरी केते हे जिवो न्यू इनकम लिखि दउ छी न्यू इनकम तारो केते हे जिवो तारो 14% इंक्रीज हेछि आगुरु धरा जाउ तारो थिला तारो 100% रो 14% इंक्रीज हला तो कोन हे जिवो तमरो 114% ऑफ तारो पूर्व दरमा जते थिला केते 13500 क्लियर हेति कि जे नेक्स्ट याको तमरो सिंपलीफाई करले केते आस जिवो 114 × 335 क्लियर व्हिच इज इक्वल्स टू 15390 बुझा पड़ला समस्त इतनी जाए नेक्स्ट एटा तो तार जो जी इनकम टाइम बाहर करदेलु आमको आम कौन क्वेश्चन दी तार एक्सपेंडिचर भी बढ़ी तो कौन ना तार न्यू एक्सपेंडिचर के आसगला न्यू एक्सपेंडिचर आज तुम धर जाऊ से आगर से खर्च करूला 100 तार पुणी इनक्रीज है 7% तो तार के टोटाल एक्सपेंडिचर 107% ऑफ 9000 सेति कि तारो इंक्रीज हे गला तो एटा तारो सॉल्व करले केते आसीबो तमरो 97 × 990 गोटे जीरो कटिबो ओके सो तमरो केते दिते जीरो कटला गोटे जीरो रहिला तो केते आसला तमरो 9630 तारो एटा आसला न्यू एक्सपेंडिचर तो जेते बेले तारो इंक्रीमेंट हैला दरमा बढ़ेला 14% आउ तारो खर्च भी बढ़ी 7% तो जेते बेले तारो नुआ दरमाटा आसला केते आसला ना 15390 तो से हिसाब से तारो खर्च बढ़ी कि केते हे गेल ना 9630 टका तो तारो एबे सेविंग केते हे जिवो न्यू सेविंग तारो केते आसला 15390 माइनस 9630 टका याको कले तमर केते आस जिवो 5760 रुपीज नेक्स्ट कौन कह तुम द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग से आगर सेव के 4500 टाँचा एवं सेव के 5700 टाँचा तो से कही तार सेविंग रे इंक्रीज हो तो से जो इंक्रीजा होते परसेंट इंक्रीज हो पचार तो देख ये करदे ठीक अच्छे जगह नहीं तो तार इंक्रीज देख इंक्रीज के तुम 5760 टाँचा माइनस 4500 टाँचा डिवाइडेड बाय तुमर केते ना एटा होगा तुम केते 4500 टाँचा क्लीयर इंटू 100 बस या तुम सल्व करदेव तुम आंसर देखो के 28% कौटी अच्छे देख सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर
बुझा पड़ला समस्त को कहारी किसी कन्फ्यूजन ना ये क्वेश्चन नंबर 29 रे ए टाइप्स रो क्वेश्चन गुडा को ठीके भल से देखि देथिबो क्लियर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि देखो ए वर्कर सफर्स एज ए 20% कट इन हिज वेजेस ही मे रिगेन हिज ओरिजिनल वेजेस बाय ऑब्टेनिंग टू राइज ऑफ ए क्वेश्चन दा एबे निजे ट्राई करके कर परबो एटा चलो क्वेश्चन नंबर 30 तमनको पई छाडी दउची एटा हेला तमरो होमवर्क क्वेश्चन नाउ आजिरो लास्ट क्वेश्चन नंबर 31 कर दिसि देखो गिवन दैट 10% ऑफ एज इनकम इक्वल्स टू 7800 नेक्स्ट कोन दिसि तमरो बीज इनकम इज तमरो केते ना ओके जस्ट अ सेकंड इथरे क्वेश्चन रे तमरो मिसप्रिंट अछि ठीके कोन लिखाइ छि देखो गिवन दैट 10% of A's income is इरा को तमरो लास्ट को हो एक्चुअली ओके इज इक्वल टू तमरो कोन ना 15% of B's income इक्वल्स टू 20% of C's income नेक्स्ट कोन लिखाय छी देखो इफ द सम ऑफ देयर इनकम इज 7800 देन बी रो इनकम केते होबो बोली पचाय छी एडी के क्वेश्चन ना तमरो मिसप्रिंट हे जाय छी एडी तमरो करेक्ट आंसर टे माने करेक्ट क्वेश्चन टे ओके तो देखो तमरो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोन छ तमरो 10% ऑफ ए रो इनकम विल बी इक्वल्स टू 15% ऑफ बी रो इनकम विल बी इक्वल्स टू 20% ऑफ सी रो इनकम क्लियर ता माने कोन तमरो आसला 10% माने 10 ए नेट डिवाइडेड बाय 100 रहइबो ओके इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 100 into b equals to 20 divided by 100 into c clear yaku 10 ku 10 cancel kale tamar kete asla tamaro 10 a equals to 15 b equals to 20 c clear jodi ethiru mu a b ro value bahar kar diye mane a b ro jodi mu ratio da bahar kar diye tebe aram se tamar problem solve hoi jibo to chalo yara sabu ro 10 15 au 30 20 60 60 सिंप्लीफाई कले equals to b by 4 equals to c by 30 clear to ebe dekho tamaro a b c kete ratio re achanti so can I write a is to b is to c equals to 6 is to 4 is to 3 clear bujha padla samastanku next dekho se kon kahi chi if the sum of their income is 7800 jodi एठी मु धरा जो मु ए रो इनकम नउची 6x बी रो इनकम नउची 4x आउ सी रो इनकम नउची 3x तो तांकर सम माने कोन 6x प्लस 4x प्लस 3x विल बी 7800 7800 टंका एथिरु तमे आराम से x रो वैल्यू कैलकुलेट कर दबो x रो वैल्यू केते इजबो इट विल बी 13x इक्वल्स टू 7800 दैट इंप्लाइज x इक्वल्स टू 7800 डिवाइडेड बाय 13 व्हिच इज इक्वल्स टू 600 से तुमको कहारो सैलरी पचारि छी देन बीज इनकम बी रो इनकम केते बोली पचारि छी आमे ए रो इनकम को केते नैथिलु 6x बी रो इनकम को केते नैथिलु 4x आउ सी रो इनकम को केते नैथिलु 3x तो तमरो देयरफॉर बीज इनकम केते आस जीवन तमरो 4x नैथिलु 4 इनटू 600 which is equals to 2400 ओठि अछि देखो सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर बुझा पडला समस्तनको देखो एठी तमरो जो 30 टा क्वेश्चन 31 टा क्वेश्चन थिला तारो तमरो प्राय जति कि सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन टाइप रो क्वेश्चन थिला सब गुडा को मिक्स करके गोटे एठी सॉल्यूशन कर देली मु आ बाकी तमन को पई किछि असाइनमेंट क्वेश्चंस रखि दै छी आपको बहुत सारा असाइनमेंट क्वेश्चन अछि ए सब रो पीडीएफ मु तमन को तमरो टेलीग्राम ग्रुप रे हमर जो अछि
से टेलीग्राम ग्रुप रे अपलोड कर देबी यार डिटेल माने जो आज क्लास रो डिटेल पीडीएफ टा तो माने से टेलीग्राम ग्रुप रे पाई जबो। टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक डिस्क्रिप्शन रे अछि सेथरु जे कि जो माने भी जॉइन करनो सेथरु जे कि जॉइन कर दबो तमरो असाइनमेंट क्वेश्चन मु सेठी अपलोड कर दे पीडीएफ टा। आशा करछि आज क्लास टी समस्त को भल लागथिबो ओ हेल्पफुल मध्ये रहितबो तबे निश्चय चैनल को सब्सक्राइब करबो और सांगमान सहित शेयर करने सहित लाइक टे करबो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।